आज सुबह एक दो व्यक्तियों ने पूछा कि हमारे लिए कौन सा मार्ग ठीक है। मैंने पूछा कि आपको ज्ञान की बातें अच्छी लगती है कि भक्ति की अच्छी लगती है, बात वही होगी। तो किसने कहा हमारे ज्ञान की बात अच्छी लगती है, कोई कहते भक्ति की अच्छी लगती है, और कोई कहते हैं कि जो आप कहते हैं वो अच्छी लगती है भक्ति की, और भक्ति की अच्छी लगती है कि हर योग ज्ञान की अच्छी लगती है। योग की बात कर्म योग कहो तो वो बात अच्छी लगती है, आप कहो वही लगती है, तो हम कौन सा मार्ग पकड़े। तो एक बात तो ये कही, आपको जो ज्यादा रुचि करो वो मार्ग पकड़ो, कि फिर बुझी बुझी सुनो, सब सब सुनो आप, परंतु तो अपने लिए एक मार्ग को तय कर लो कि एक हम नहीं कर सकते, हम तो सब अच्छी लगे फिर हम क्या करें। ये प्रश्न आया तो बताया कि ऐसे करो कि भगवान के नाम का जप करो और सब जगह परिपूर्ण वो परमात्मा है, राम 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 राम, सब जगह बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा है, ये ध्यान रखो और भगवान के नाम का जप करो। और किसी के जरूरत पड़ जाए कोई काम करने वो काम है उसमें सहायता कर दो। कर्मयोग का विषय इतना ही करना है, किसी की कोई तरह की सहायता और हम कर सकते हैं तो उस समय में हिचको मत, चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग हो चाहे योग मार्ग हो, उसकी सहायता कर दो। तो उसकी सहायता करने से योग मार्ग हो गया, कर्मयोग हो गया, और सब जगह परिपूर्ण जगने से ज्ञान मार्ग हो गया, और नामकरण नाम लेने से भक्ति मार्ग हो गया। भक्ति मार्ग है वो ऐसा विलक्षण है, साधक संजीवनी में मैंने चेष्टा की है लिखी है कि ये सबके लिए काम की चीज है। योग मार्ग में जाओ तो भक्ति काम की, ज्ञान में मार्ग में जाओ तो भक्ति काम नहीं, भक्ति मार्ग में जाओ तो भक्ति काम की। मैंने ये बात बताई है कि जैसे घी और दूध जिन चीजों में मिल जाएगा वो मिठाई बढ़िया बन जाएगी, बिना घी की मिठाई बढ़िया नहीं होती। आजकल चली कई तरह की, मतलब घी और दूध बिना बिना गोरसम कोरस भोजन आना, तो ये मिलाकर ठीक हो जाए, केवल घी और दूध मिलाकर पी लो काम हो जाएगा। तो भक्ति तो इस तरह से है, मई चानन योगे ने भक्ति रब्य विचार अधिकार। तो भक्ति एक ऐसा नान्य गुण व्यकर्तार मान जो ये अभ्य विचार है ना, इन श्लोकों में ठीक है आप देख लेना। तो भक्ति साधन ऐसा है सबके लिए, नाम जप है ये सबके लिए काम की है, कर्मयोगी के लिए, ज्ञान योगी के लिए, भक्ति योगी के लिए, सबके लिए हरदम नाम जप करना। और ये नाम जप की बात सेठों ने विशेषता से सुनाई है। शाम की वक्त में 5 बजे मैं ये बात कहता हूँ, कई बार कही है कि ये जो आज नाम जप हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, एक आनंद हो रहा है, गंगा जी के किनारे महीना महीना रहना हो जाता है, सिवाय सेठ जी के और कोई बताओ आप कारण। इसके साथ में दूसरे साथ में मिल गए और भी, परंतु खास बात ये सेठ जी की है। तो ये मूल में सेठ जी है, मेरे को भी रखा है तो सेठ जी ने रखा है, नहीं तो मैं ही रहने वाला नहीं था। भाई जी को रखा तो सेठ जी ने रखा, वे कई बार जाते थे कि मैं तो जाएंगे वहां अपने एकांत में साधन करेंगे, मेरे सामने के पत्र आए हैं वहां अपने गए थे ना, वो अलीगढ़ के पास क्या हो अपने गए सत्संग हुआ था ना उस समय कर्णवास। मेरी ऐसी बुद्धि है और आज भूल जाता हूँ, कर्णवास ना भूल गया तब आता नहीं याद।
तो करुणवा सत्संग हुआ उस समय में भाई जी कपड़ा लता बांध बेटा बांध करके वहां आ गए थे। कहते मैं तो अब एकांत त्याग भजन करूंगा। पहले उनका पत्र आया था और शेर जी ने लिखा कि नहीं अपन भगवान को प्रचार करूं। उनको पत्र के उत्तर में शेर जी लिखते हैं कि भगवान का प्रचार भगवान करेंगे, भगवान के प्रचार करने का भक्त का काम है, भगवान का काम नहीं है। इस वजह से आपको हमारे को इसमें लगना चाहिए जिससे भक्ति का प्रचार हो। आए दिन भेज दिया पैसे किसे गुरुकुल चले गए। तो उनको भी शेर जी ने रखा, मेरे को भी शेर जी ने रखा। अरे ये मकान बन गए जितना हो ये शेर जी का बनाए हुए, ये एक पौधा विलक्षणता से लगाया सेठा ने। 88,000 ऋषियों की बातें हम सुनते हैं नेमासरण जी ने, परंतु आजकल के जमाने में अगर देखा जाए तो ऐसी बात नहीं है। मैंने पढ़ा है, पुस्तकें पढ़ी है, महाभारत है उसकी महिमा आई है कि कहीं भी है तो वो महाभारत में मिलेगी, और महाभारत में नहीं मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी, ऐसी बात महाभारत में आई है। उस महाभारत में आप देखो तो भगवान भी उस सभा में है और भीष्म जी महाराज सुना रहे हैं शांति पर्व और अनुशासन पर्व। उसमें भी देखो तो केवल भजन ध्यान की कीर्तन की मार्मिक बातें बहुत कम मिलेगी। जंगलों का वर्णन है, पहाड़ों का वर्णन है, नीति का वर्णन है, उसमें कूटनीति का वर्णन है, कपट नीति का वर्णन है, किस तरह से राज किया जाए कैसे किया जाए खूब वर्णन है। अपने अभी कूटनीति का वर्णन सुना आपने शेर जी से, हमारे से राज्य की बात सुनी, पर्वतों के जंगलों का वर्णन सुना, बातें सुनी। केवल भगवत संबंधी बातें होती है जहाँ भगवान विराजमान है उस सभा में। अरे भीष्म जी महाराज से भगवान कह के आ तुम सुनाओ, वो सुना रहे हैं। दो दो पोथा महाराज इतने इतने बड़े अनुशासन और शांति पर्व, उनकी कथाएं आप पढ़ करके देखो। मूल शेर जी का संक्षेप किया हुआ है उसमें तो बहुत ऐसे छाट दी है, सब शेर से लिया है, पर मूल आप देखो ना तो आपको पता लग गया। मार्मिक बातें ही विशेषता से चलती है अपने, जिसमें लोग ये तो कह देते हैं कि भाई हम लोग सब समझते नहीं, पर ये नहीं कह सकते कि फालतू बातें होती है, कोई नहीं कह सकता। हो जाए तो हमारे आदत के कारण से हो जाए बीच में, पर आदत भी वैसी नहीं है विशेष, थोड़ी बहुत कहीं आएगी बात चलती। विशेष मर्म की बातें है सिवाय शेर जी के और जगह मिली नहीं है। हम अपना नाम हो जाए अपने चित्र की अपने चरित्र की और अपनी महिमा की बात ही ज्यादा होगी। शेर जी के विरुद्ध रहा नाम कोई बड़ी मिल रहा, चरित्र भी मिल रहा, चित्र के विरुद्ध मिल रहा, ऐसी बातें विरोध की भीतर से चाहने वाले बहुत कम आदमी। संतों में जितने हुए संप्रदाय जितने हुए उन संप्रदायों में भी आप देखो तो आचार्यों की गुरुओं की नहीं मिलेगी ज्यादा, शेर जी की नहीं मिलेगी। शेर जी को तो भगवान को मानो, भगवान में चलो सब, किस तरह से भगवान में लग जाए, केवल इसी बात को लेकर के गीता प्रेस खोला, जिससे सस्ते से सस्ते दामों में लोगों को सरल से सरल बड़ी गहरी बातों का साहित्य मिल जाए, घरे बैठे भी सत्संग कर रही, इस बात को लेकर के गीता प्रेस खोला। गीता प्रेस और बातों के लिए नहीं, केवल इस बात के लिए लोगों को अच्छी बातें मिल जाए। तो शेर जी तो मूल में है। मैं भी आप लोगों बैठा हूं यहाँ पर, तो ये बैठा हूं शेर जी घर में,
शेर जी के रहते हुए भी मन में आई थी, उछल आया था ना कि चल रहे यहां से, ऐसी शेर जी के रहते हुए आई थी, और शेर जी के बाद मैं यहां रह जाऊं ये विचार ही नहीं था, विचार ही नहीं था हमारा। एक बात सभा में कह रहे हैं, जरा थोड़ी कर ली तो है, आप क्षमा करेंगे सभी। पटवारी थे, मैं था, घनश्याम जी थे, एक तो और कोई एक दो आदमी थे, पटवारी जी को याद हो तो बता दो भाई, मदनलाली चूड़ी वाला थे, और एक दो कोई आने याद नहीं है, ये थे मदनलाल चूड़ी वाले थे, शेर थे, मैं था। तो शेर जी कभी कभी विनोद किया करते थे, तो उन्होंने एक विनोद में बात पूछी कि आप बताओ मेरा शरीर रहे न रहे तो क्या करोगे, कैसा विचार है आपका। तो घनश्याम जी तो बोल उठे कि ऐसा होगा ही नहीं, आपका शरीर रह जा चला जा रहा, हमारा शरीर रहे होगा, होना ही नहीं है, ये तो तब हो ना कि आपके शरीर जाने के बाद हम रहे हैं, तो प्रश्न होता है। घनश्याम जी की बात की और मेरे को पूछा क्या बात है, तो शेर जी क्या होगा और कहाँ जाऊंगा पता नहीं, पर इस समुदाय में तो नहीं रहूंगा, ये जो आपका समुदाय है ना इसमें मैं नहीं रहूंगा, कि ये बात नहीं रख रही है, नहीं रखेंगे। उसी वक्त कह दिया ये बात नहीं रखनी, मामा नहीं रखेंगे इस बात को। तो अब जो सेठा बात बैठा हूं, किस कारण बैठा हूं, मेरे प्रतिकूलता कितनी आई है आपको पता नहीं है, बहुत प्रतिकूलता आई, इसका अर्थ नहीं है यहाँ आती है और जगह प्रतिकूलता नहीं आती, अनुकूलता प्रति सब जगह आएगी, जहां कहीं जाओ अनुकूलता मिलेगी प्रतिकूलता भी मिलेगी, परंतु यहाँ टिका बैठा हूँ केवल शेर जी के वचन से कि ये बात नहीं रखनी। उनको पूछो पटवारी जी को ये बात कही थी, क्या कही थी, कि ये नहीं रखनी, शेर जी ने कहा ये बात नहीं रखनी, वो नहीं रखेंगे, तो कितनी आई बताऊ नहीं। तो ये सत्संग चल रहा है उसे मूल में सेठ है, मैं भी सुनाता हूँ उसके मूल में सेठ है, शेर जी में बहुत विलक्षणता थी, उनके लेख देखे पहले पहर तो कल्याण में लेख आते थे, तो मैं इतना ही समझता था कि कल्याण में जैसे दूसरे लेखक है संत महात्मा विद्वान पंडित, ऐसे एक ये भी लेखक है, गीता प्रेस से इनका संबंध ही बिल्कुल हमारे गंध नहीं थी, तो गीता प्रेस जैसी संस्था चलाना अरे पता ही नहीं लगे लोगों का कि मूल में कौन है, ये कहा मेरे विशेष। तो शेर जी से ये बातें मिली, मैंने पुराने आचार्य हुए श्री रामानंद आचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, कई आचार्य हुए हैं इतने महाप्रभा, उनके ग्रंथ और ग्रंथ देखा मैंने, उनकी बातें हुई तो बड़े कल्याण करने वाले, उद्धार करने वाले, महान राजमार्ग बताने वाले ये महापुरुष हुए, आचार्य हुए, इनके मत के अनुसार चले तो कल्याण में कोई संदेह नहीं मानता हूं मैं, परंतु उनमें देखा तो एक एक विशेषता है, जैसे ज्ञान मार्ग की विशेषता श्री शंकराचार्य को मिलेगी, ऐसे आपको दूसरे आचार्य में नहीं मिलेगी, भक्ति की क्यों मिले भी रामानंदाचार्य मिलेगी बहुत तरह से, और चैतन्य महाप्रभु में बहुत विलक्षणता से मिलेगी, परंतु ज्ञान मार्ग नहीं मिलेगा, और योग मार्ग तो लुप्त ही हो गया, गीता के उपदेश के समय भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्त विमु राजर्षयो विदु सकाले ने हमारा योगो नष्ट, उस समय लुप्त हो गया था, वो जानते नहीं थे,
भगवान के समय भी 5000 से ऊपर वर्ष उसको उस समय भी योग मार्ग लुप्त था और आज भी कर्मयोग की बात आप कहीं सत्संग सुनो, कहीं पुस्तक पढ़ो, कहीं व्याख्यान सुनो, ज्ञान मार्ग की सुनो, भक्ति मार्ग की सुनो, मैं योग मार्ग की नहीं मिलेगी। कर्मयोग के तत्व को जानने वाले बहुत कम, ग्रंथ बहुत कम, ग्रंथों में नहीं मिलती ऐसी बातें, इस सत्संग में मिलती है। कौन सा सेठ जी का, मेरा नहीं कहता हूं मैं, मेरी व्यक्तिगत, मैंने तो सेठ जी से सीखा है। मैं यहाँ आया हूँ सीखने के लिए, मैं वक्ता बनने के लिए नहीं आया था। तो सेठ जी ने कहा सुनाओ, तो सेठ जी ये जवाब दिया कि मैं सुनाने से तृप्त होकर आया हूँ, सुनाने से तृप्त हो गया हूँ, धाप गया हूँ। कथा सुनाई है, सप्ताह सुनाई है, गाना बजाना सुनाया है, जागरण किए हैं, मैंने अकेले में एक पेटी देख मैं हूँ, जागरण पूरा सारी जांच। तो ये चीजें सुनाने से मैं तृप्त हुआ हूँ, सुनाने की मेरी भूख नहीं है। शेर जी को ये जवाब दिया, शेर जी नहीं सुनाओ ये भी साधन है, सुनाएंगे। ये सुनाने की प्रवृत्ति शेर जी कारण से ही मेरी हुई है, नहीं तो मैं तो उपराम हो गया था सुनाने से। लग नहीं सुना दिया, पद भी सुना दिए, व्याख्यान भी सुना दिया, कथाएं भी सुना दी, सब कुछ कर दिया। अब तो केवल साधन करने की मन में है, इसी को लेकर आया हूँ सेठ। कई बार कह सेठ जी नहीं सुनाओ, मैंने सेठ जी से कहा सेठ जी मैं सुनाने का अधिकारी नहीं हूँ, बातें वही सुना सकता है जिसको अनुभव हो, मैं जानता नहीं हूँ, पुस्तकों के द्वारा जानता हूँ, परंतु वास्तव में अनुभव की बात है वो विलक्षण है। तो उसके हुए बिना, चौथे पर चीने बिना गुरु बनो मत कोई। जब तक उस तत्व को न जान जाए तब तक उसको गुरु बनने का अधिकारी नहीं है। तो सुनाना एक तरह से गुरु बनना है। मैंने कहा शेर जी से मैं अधिकारी नहीं हूँ, अधिकारी नहीं। बात विलक्षण कही कि जो अधिकारी नहीं मानता वही अधिकारी है, और जो अधिकारी मानता है वो अधिकारी नहीं है। मेरी दृष्टि नहीं कि मैं व्याख्यान दू, मैं सुनाऊं, करूं ऐसा। पढ़ना पढ़ाना मैंने किया है, पढ़ा भी हूँ और पढ़ाया भी है, और सुना भी है, सुनाया भी है, सुना भी है। ये मेरे किए हुए काम है, देखे हुए है, और कई बात देखी मैंने। ज्यादा इतनी बड़ी उम्र नहीं हुई, पर उस उम्र में मैंने कई बातें कर ली, देख लिया। अंत में यही बात साधन करना, प्रसन्न ध्यान करना पड़े। और अब तो कोई ऐसा दिखा नहीं मेरे को कि जिसके पास जाकर मैं सीखू। साधुओं ने विरोध किया कि साधु बनकर गृहस्थी के पीछे पड़े, मन में ऐसी बात मिली नहीं। ये नहीं कहता हूँ है नहीं, ध्यान देना, मेरे को नहीं मिली। मेरे को ना गृहस्थ मिला ना संत मिला कि जिसमें मेरे को संतोष हो जाए। सब तरह से क्या कर्म योग है, क्या ज्ञान योग है, क्या भक्ति योग है, अपनी अपनी महिमा सब ग्रंथों में मिलेगी। ज्ञान योग की महिमा ग्रंथों में खूब मिलेगी, उनमें सब आपके भक्ति और योग ये सब साधन रूप मांगे। ऐसे भक्ति योग की महिमा मिलेगी तो उसमें ज्ञान वाम इतना नहीं मिलेगा। तो सेठ हमें तीनों बातें मिलती है। तो हमारे लिए ही शौक, कोई मुक्ति का मार्ग हो तो हम सबको जानना चाहते हैं। तो सेठ जी के पास जाने से संतोष हुआ। दूसरी एक और बात बताओ, ये ज्ञान मार्ग की भक्ति मार्ग की बातें सुनी और पुस्तकें पढ़ी, मन में आया कि ये पक्षपाती है। ग्रंथों के ऊपर ये बात हुई कि ये भक्ति के पक्षपाती है। ज्ञान मार्ग की सुनी, पढ़ी, पढ़ाई की मैंने,
ज्ञान मार्ग की काफी तक आचार्य तक, तो उसमें देखा यही पक्षपाती है ज्ञान मार्ग। शेर जी जब बातें सुनी तो मेरे एक प्रकाश मिला। शेर जी ने कहा पक्षपाती नहीं है, उनको इसी से अनुभव हुआ है, इस वास्ते उन्होंने इस बात को वर्णन किया है। क्योंकि पक्षपाती होता वो ज्ञानी नहीं होता, यदि ज्ञानी होता उसके पक्षपात नहीं होता, इनमें पक्षपात नहीं है। तो ये पक्षपात की भावना मेरी भी शेर जी के सत्संग मिट गई। नहीं तो मेरी दृष्टि हुई थी बात कि अपनी अपनी बात कहते हैं, अपनी बात सभी कहते हैं, क्या नई बात हुई, ये कोई तथ्य थोड़ी है, ये सत्य नहीं है। शेर जी कारण से क्या कि नहीं ऐसे नहीं है। वर्ण जी सत्संग होता था, दोपहर में जा रहे थे जंगल में, वहां जंगल में ध्यान और कराते सत्संग कराते थे दोपहर का समय। तो वहां मैंने पूछा शेर जी ये रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, इधर शंकराचार्य है, बड़े बड़े आचार्य, उनके ग्रंथ है, उनकी संप्रदाय है, उनके चलते हैं लाखों की तादाद में, उनके शिष्य संप्रदाय है, उसमें बातें चलती है, तो उसमें किसी ने भी ये तीनों को नहीं कहा कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग, अरे आपने कहा तो आपने कहां सीखी है। शेर जी से पूछा मैंने चलते हुए, आपके कौन आदर्श है जी को लेकर? हमारे आदर्श वेद व्यास, ये आचार्य कोई आदर्श नहीं, वेद व्यास जी महाराज से ये तीनों बातें मिलती है हमारे ज्ञान योग की, कर्म योग की, भक्ति योग की। वेद व्यास महाराज का नाम भी अशेर जी थे। तो अनादि काल से ये मार्ग है और भगवत अवतार है वेद व्यास जी, कोई मामूली नहीं है, उनकी रची हुई है, उनके अनुसार गीता है, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग कितने जितने योग है एक है। वो मैंने यहाँ भी कहा कि योग में सब एक हो जाते हैं, भक्ति भी ज्ञान भी योग भी सब मार्ग योग मार्ग में। योग समता का नाम है, ये गीता का योग विलक्षण है। दूसरा योग मिलो तो चित्तवृत्तियों के निरोध का योग, इतनी बात फैली हुई है दुनिया में, कहीं करोगे मन नहीं लगा तो कुछ नहीं। तो मन लगाने का उपाय में सबसे तेज पतंजलि योग दर्शन है। पतंजलि महाराज हो गए, उन्होंने तीनों को शुद्ध किया है, शरीर को शुद्ध किए लिए गए चरकाचार्य हुए, चरक सुश्रुत भागवत ये आयुर्वेदिक ग्रंथ नामी ग्रंथ है, उनके जोड़े का ग्रंथ नहीं है। वाणी को शुद्ध करने के लिए महाभाष्य है जो अष्टाध्यायी पर व्याकरण का, तो उनके जोड़ी का अभी तक पंडित हुआ नहीं है, वे पत्ते लिखे थे पुस्तक लिखे थे जिस तार पत्ता, तो बकरी चर गई उतना दूर रह गया, अभी तक तो पूरा करने वाला पंडित नहीं मिला, कितने नामी हुए पतंजलि महाराज। व्याकरण में देखो तो शब्द भरते है, शरीर में देखो तो चरक है, और वाणी शुद्ध करने के लिए ये है, मन शुद्ध करने के लिए योग दर्शन, वाणी शुद्ध करने के लिए अवसर महाभाष्य, और मन शुद्ध करने के लिए योग दर्शन, उनके जोड़ी का कोई ग्रंथ नहीं है। ऐसे तीनों में विलक्षण हो गए पुरुष, ये बात है। परंतु कर्मयोग में इतना विलक्षण विवेचन किसी ने किया नहीं जैसा सिद्धि करते थे। इस वास्ते मैं कह देता हूँ कर्मयोग के आचार्य लोगों को बुरी लगती है, भारी लगती है, क्या करता है बढ़िए की महिमा करता है। मैं बढ़िए की महिमा नहीं करता हूँ, बढ़िए की महिमा वो कर जिसको धन की गरज हो। मैं ये नहीं कहता मेरे धन की गरज नहीं है, ये नहीं कहता हूँ मैं, पर धन के लिए मैं सेठ के पास नहीं आया हूँ। बेशक है धन मिल जाएगा, बढ़िया में धन होता है पास में जो अपने मिल जाएगा, इस आशा से मैं नहीं आया। शेर जी में सब बातें थी, इनके सिवा और विलक्षण बातें थी। हमारे संत थे श्री चौकसुराम जी महाराज, बीकानेर में चौकसुराम जी महाराज वैद्य नामी वैद्य हुए। गंगा सिंह जी ने कहा कि हमारे राज्य में ऐसे ऐसे वैद्य है, बहुत चतुर राजा हुए गंगा सिंह जी, ऐसे वैद्य थे। वे आए यहाँ सत्संग में, तो उन्होंने बात कही कि मैंने जहाँ आध्यात्मिक मार्ग में ऊंचे देखे तो व्यवहार में उतने नहीं,
और व्यवहार में कुशल है तो अध्यात्म मार्ग में नहीं। मैं सिर्फ हम सिर्फ कहते हैं व्यवहार भी कुशल और ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग योग मार्ग ये देख लो। और व्यवहार में कई पंचायतियां जो बड़े बड़े बैरिस्टर वकील उसमें जोर लगा लेते हैं साथ में, वो सेठ जी ने किया है ऐसे जाके कई फैसला लिखाया उन्होंने उन लड़ाइयों में। तो आप देखो ऐसे बड़े बड़े वकील नहीं दिखा सकते, इसलिए राज कर चक्रा दुआ कर दिया, नहीं तो आपस में सिर फूटे और राज में झड़ता रहे, ऐसे आदमी की लड़ाई मिटाई है। तो व्यवहार में भी इतना कुशल और परमात्मा जी इतना बड़े ऐसा नहीं देखा, ये सौक्षण महाराज ने कहा। जहां कहीं देखा है मैंने संत महात्मा बहुत ऊंचे दर्जे गए पर व्यवहार में इतना कुशल नहीं, इसको किसी में देख लो सेठ में ये लक्षण था। ऐसी बातें थी सेठ अलौकिक बातें थी, तो उनके ऐसे हुए ग्रंथ हैं, उनके लिखे वो टीका गीता भी है, बहुत विचित्र ग्रंथ। तो उनसे मैंने शिक्षा पाई सेठ जी से, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग तीनों को, और कर्मयोग को स्वतंत्र वहां से पाया, उनके लेखों में मिला मेरे को, तब मेरा मन आकृष्ट हुआ कि यहाँ कोई पक्षपात नहीं है। और उनके देखा ना पक्षपात ही मानता था वो, यहाँ पक्षपात नहीं है, ज्ञान मार्ग की भी ठीक, भक्ति मार्ग की भी, योग मार्ग की भी। सम्मत 1986 में छिपा था पुस्तक, कल्याण में खबर आई कि तत्व चिंतामणि पुस्तक होगा, उसके लेखकों को जयदयाल जी पढ़ता था, उन्होंने 85-86 सम्मत पढ़ाई करता था, परीक्षा की पढ़ाई थी। तो मन में चटपटी लगी गई है तो ग्रंथ जरूर मिलाना, सेठ जी ग्रंथ जरूर पढ़ेंगे, लेखक सेठ जी होंगे। और वो पुस्तक मंगाई मिली मेरे को, परीक्षा के दिनों में पढ़ाई छोड़कर एकांत में बैठ करके पढ़ी है मैंने तब चिंतामणि पहला भाग, बहुत विलक्षण लगा लो, बड़ा अलौकिक लगा। मेरे असर पड़ा कि ये पंडिताई से नहीं लिख सकते, ये बिना अनुभव के ऐसी बात पंडिताई से कोई नहीं कह सकता, सीख करके नहीं कह सकता, नहीं लिख सकता ऐसी बात लिखी है तो बहुत विलक्षण अनुभवी पुरुष है। ये मेरे पर असर पड़ा 86 की, पहले 85-84 में भी लेखन का देखता था कल्याण में, तो इनके लेखन मेरे बहुत अच्छे लगते थे, बहुत अच्छे लगते, और मैं पढ़ता था। हमारे सहपाठी थे चिमन राम जी, हम दोनों ही पढ़ते थे, वे भगत गाथा पढ़ते, मैं सेठ जी का लेख पढ़ता, उनको भक्तों की भगवान की चर्चा अच्छी लगती, मेरे को गहरा उतर करके कोई समझाने वाला किसी विषय को गहरा उतर कर समझा वो अच्छा लगता था, स्वाभाविक प्रकृति है। तो सेठ जी की बातें ऐसी विलक्षण लगी, हमें विचित्र लगी, उसी बात से खींच करके इनके पास में आया मैं सेठ जी के पास। इसे मिले हुए कई आदमी मिले पर शेर जी मिले कहाँ। एक बात कह दे भाई, है तो शर्म की बात, याद आ गई, हमारे त्याग का भी अभिमान था, अब चला गया ये नहीं कहता हूँ, अभी अभिमान नहीं है ये नहीं कहता हूँ, पर त्याग का पैसा लेना नहीं, छूना नहीं, किसी को कहना नहीं, जरूरी ऐसी मन में आती कि सेठ जी ऋषि के ऐसे तो मैं सेठ जी जाऊंगा सत्संग करूं, मैं टिकट कहां से लाऊं, पास में तो पैसा नहीं, किसी को कहना है नहीं हमारे को, अब कैसे नाम बताऊं, अगर पैदल जावे तो हम जावे सेठ जी और जल्दी चले जाए, पैदल तो पूछ सकते नहीं, और पैसा किसी को कहना नहीं, अरे ऐसे कौन कहे लो टिकट लो, कौन कहे क्यों कहे, ऐसे हमारी बीती है। तो त्याग का भी मैं अभिमान रखता था, किसी को क्यों कहें, किसी को पैसे के लिए कहने की जरूरत नहीं, और कहीं कोई कहने काम पड़ा तो वो मुंह की खाड़ी पड़ी, काम नहीं हुआ, पश्चाताप हुआ, गए गजब की अच्छी बात कह दी, एक जगह की बात है ज्यादा ऐसी बात पैदा हुई। तो वो भी विचार यहाँ आकर देखा तो त्याग के विषय में सेठ जी से जितनी गहरी बातें सुने ऐसी मेरे को गहरी बातें सुनने को
नहीं मिली होती। त्याग क्या होता है, बहुत गहरी बात। त्याग क्या चीज है, ऐसी बातें शेर जी सुनी है और जगह ग्रंथों में भी कम मिली है। नहीं ऐसा नहीं कहता हूँ, मेरे को कम मिली। मिलने पर ग्रंथों में मिलती है, परंतु ग्रंथों को देख करके कोई ले ले कठिन बात है। सब मिली हुई क्या पता लगे उनमें, शेर जी सुनने पर पता लगा ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, वैराग्य है, ये बातें सुनी। तो शेर जी बात है, अब इसकी बात कहें कहें क्या, देख लो आप प्रत्यक्ष। गहरी बात है कि संसार का संबंध विच्छेद और परमात्मा के संबंध को पहचानना, वहां संबंध करना नहीं, वो है संबंध वाली बात से, उसको पहचान लेना और उत्पत्ति विनाशील प्रकार प्राकृत पदार्थ संबंध विच्छेद कर देना, ये मूल बात है। ज्ञान मार्ग से यही होगा, योग मार्ग से यही होगा, भक्ति मार्ग से यही होगा। और सुनो, मानो जिसका वियोग रात दिन हो रहा है उससे संबंध विच्छेद कर लेना, और कभी जिसका वियोग हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं और संबंध विच्छेद हो सकता नहीं उसको पहचान लेना। ये सात बात, परमात्मा तत्व से वियोग किसी का हुआ नहीं, वो है नहीं था नहीं और वियोग हो सकता नहीं, उसको पहचान के मेरे तो भगवान, मैं भगवान का हूँ, ये पहचान नहीं है, बात करनी नहीं है, ये नया बनना नहीं है। लोगों की बहुतों की ये जैसी हुई है कि भक्ति भी करेंगे, ज्ञान भी करेंगे, अध्ययन करेंगे, श्रवण मनन निर्देशन करेंगे, उससे होगा, वो भी मारेंगे करो, परंतु वास्तव में तो संबंध को केवल पहचान है और करना करना कुछ नहीं है, और इसका संबंध विच्छेद कर देना है भीतर से, करना करना कुछ नहीं है, जो हो जाना तो परमात्मा के साथ संबंध हमारा असल है और संसार के साथ संबंध हमारा संबंध नहीं है, नहीं हुआ नहीं है और नहीं होगा और नहीं हो सकता कभी भी। अनंत युग चले जाए तो भी संसार संबंध होने वाला आपका है ही नहीं, संसार अभी तक किसी को मिला नहीं, फिर मिलेगा नहीं, मिलने की संभावना नहीं है, उसके साथ संबंध मान रखा है, मूल में ही ये गलती हुई, इस गलती को मिटाना, ये बात है। शेर जी ने किसी को गुरु नहीं बनाया तो बिनु गुरु भाव ने भी करी, कैसे उनका कल्याण कैसे हो गया? कल्याण उनका हो गया, कृष्णम बंदे जगत गुरुम, ये तो गुरु हुए, ये गीता मंत्र हुआ, शेर जी खास गीता चीज थी और ऐसे गुरु उनके माने जाते हैं नासी मरासी, परंतु उसे दीक्षा ली हो, मंत्र लिया हो, गुरु बनाया हो, जैसा नहीं, उनको देख करके वैराग्य हुआ, ये शेर जी का हुआ। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम सद्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 7 मई 1990 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम।